दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम फिर आपको एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आईटीआई एडमिशन सत्र 2023-24 में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे आईटीआई के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुके हैं और काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। तो समस्त छात्र अपना जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे। इसकी जो समय सारणी है इसके लिए हम पहले वीडियो दे चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि किस डेट में क्या क्या होना है। यहाँ पे इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से और कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश आईटीआई एडमिशन सत्र 2023-24 का जो पोर्टल है यहाँ पे चेंज किया गया है। पिछले वर्षों में आईटीआई के जो एडमिशन है वो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से कराए जाते थे, इस वर्ष जो है डायरेक्ट कौशल विकास संचालनालय की जो वेबसाइट है वहां से आप डायरेक्ट ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट ही आप पोर्टल पर पहुंच सकते हैं और आवेदन आईटीआई एडमिशन के लिए जो पोर्टल है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहां पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन देखने के लिए रजिस्ट्रेशन हम कैसे करके करते हैं इसके लिए आप जो है लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, फुल अपडेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम आवेदन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो पोर्टल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रवेश के ऑप्शन पर जाना है और प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2023 का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। आप जो है वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ से आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ सकते हैं, कहाँ कौन सी ट्रेड है, प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई है, समय सारणी है, जो समस्त जानकारी है यहाँ पे वो आप यहाँ पे पढ़ें। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर्ड हर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यानी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम इस ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ निर्देश आते हैं, जो ये निर्देश हैं इसको आपको पढ़ लेना है, इसके बाद हम पुष्टि करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे जो जो जानकारी पूछी जाती है वो जानकारी यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग 2023 का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया है, यदि आपका नाम हिंदी में सही नहीं आ रहा है तो कृपया एडिट लिंक पर क्लिक कर जो है हिंदी नाम को सही कर लें। अगर आप जो अपना नाम यहाँ पे टाइप करते हैं वो नाम अगर हिंदी में यहाँ पे सही ना आए तो आप उसे एडिट कर लें, अन्यथा एक बार आवेदन करने के बाद आपको सुधार के लिए जो है फिर से प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे नाम डाल के बता देते हैं आपको जिस स्टूडेंट का हम यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स का नाम लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे इनका नाम लिख देते हैं जो भी इनका नाम है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इनका नाम जो है हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर ये नाम आपका यहाँ पे गलत आता है तो आप इस एडिट के ऑप्शन पर जाकर इसे सुधार कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको इनके पिता का नाम लिखना है तो हम इनके पिता का नाम लिख देते हैं। इनके पिता का नाम जो भी आपकी कक्षा 10 की जो भी इंफॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पे लिखना है, कोई अलग से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आपके 10th में मार्कशीट में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम, माता का नाम है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखा, इनके पिता का नाम लिखा जो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाता है, हिंदी का नाम आप चेक करते जाएं। इसके बाद इनकी माता का नाम लिखना है तो इनकी माता का नाम जो है वो हम यहाँ पे बॉक्स में आप अपना जो है मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी भेजने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है ओटीपी आता है वो इस बॉक्स में क्लिक करना है। अगर आपको एक बार में ओटीपी नहीं मिलता है तो ओटीपी पुनः भेजे के ऑप्शन पर आप क्लिक करके जो है दोबारा ओटीपी भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। इसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके वही प्रोसेस आपको करना है, ओटीपी फिल करना है और ओटीपी ना आए तो पुनः ओटीपी भेजने के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। हम ये प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे की प्रोसेस पर चलते हैं। आपके सामने इस टाइप से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि आपको आप जो है नोट कर लेना है या फिर मैसेज में पहुंच जाएगा, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपका पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे हम कॉपी कर लेते हैं या फिर नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है। अब हम पुष्टि करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ चुका है और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। यानी हमसे यहाँ पे जो है अभी हमें हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करनी है। अभी जो हमारा प्रोफाइल है वो अधूरा है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है। तो आपको सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से डिटेल ओपन होगी। हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हाँ करें, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दें। इसके बाद आपसे यहाँ पे धर्म पूछा जाता है, जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद क्या आप जो है किस कक्षा के आधार पर ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप 8वीं पास हैं तो 8वीं लिखें, अगर 10वीं पास हैं तो 10वीं पास लिखें। इसके बाद यहाँ पे 10वीं पास में आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी आपने जो है अधिकतर अधिक यानी ITI करने से पहले कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आपने जैसे 12वीं किया है या 10वीं किया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 12वीं किया तो 12वीं यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका समग्र पोर्टल का जो समग्र ID होता है 9 अंकों का, वो ID यहाँ पे आपको फिल करना है। ID डालने के बाद यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको मध्य प्रदेश के मूल निवास यहाँ पे देना है, कहाँ के आप निवासी हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे सागर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंग में महिला है पुरुष है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम महिला पुरुष हैं तो पुरुष लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई अदर मोबाइल नंबर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। इसके आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको जर्नल SC ST OBC जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जर्नल SC ST और OBC में आपको ध्यान देना है, OBC नॉन क्रीमिलियर और यहाँ पे OBC क्रीमिलियर। तो यहाँ पे जिस कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो लिखा हो वो यहाँ पे लिखना है। अधिकतर यहाँ पे OBC नॉन क्रीमिलियर में आपको आवेदन करना है। OBC नॉन क्रीमिलियर में आपको यहाँ पे OBC वाले जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका जाति प्रमाण पत्र देख लें वहाँ पे क्या लिखा है। अगर आप क्रीमिलियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रीमिलियर करना है, अन्यथा यहाँ पे अधिकतर जो 90% छात्र हैं, 100 में से 90% जो छात्र हैं वो OBC नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। तो हम यहाँ पे OBC नॉन क्रीमिलियर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके बाद यहाँ पे क्या आप EWS श्रेणी में आते हैं, तो अगर आप जर्नल EWS में आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद यहाँ पे हमें जाति प्रमाण पत्र का नंबर देना है, जो कि लोक सेवा केंद्र या ऑनलाइन डिजिटल वाला आपके पास होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद उसकी जो जारी दिनांक है, किस डेट में आपका जारी हुआ है वो यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको जारी करने वालों के जो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे जैसे कि सागर में SDM तहसीलदार जिसके द्वारा आपका जो है जारी किया गया हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। हमने जो है SDM के द्वारा होते हैं तो SDM सागर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, तो यहाँ पे जिस जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र बना है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उपश्रेणी, उपश्रेणी में आपका जो है यानी कोई विकलांग है या कोई NCC पहले से NCC किया हुआ है, डिपार्टमेंट विभागीय ITI में पहले से उसके माता पिता पढ़ाते हैं, इस प्रकार से आपके यहाँ पे कोई भी है तो यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे कोई नहीं के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो ये ऑप्शन आपके खुलेंगे, नहीं है तो आपके ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो डेट है ये डेट आपकी विकलांग कैटेगरी की है, यहाँ पे नहीं खुलेगी। इसके बाद यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक हट जाएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विशेष श्रेणी, अगर आप जैसे कि विशेष श्रेणी में कोई भोपाल गैस त्रासदी भोपाल गैस पीड़ित है उनके लिए है, यहाँ पे और भी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे कोई नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे बेस्ट। इसके बाद क्या आप डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रवेश इच्छुक हैं, तो यहाँ पे अगर आप डबल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यानी कुछ यहाँ पे DST के अंतर्गत 6 महीने का कोर्स होता है, अगर वो करना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं है तो हम इसे नो कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप DST के अंतर्गत 6 महीने की ट्रेनिंग अतिरिक्त लेना चाहते हैं कोर्स के अलावा तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आप पुलिस ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं केवल पुलिस विभाग परिवार के सदस्य रिश्तेदारों के लिए, तो जो पुलिस जो छात्र उनके माता पिता या भाई पुलिस में है वो यहाँ पे पुलिस ITI सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के अंतर्गत IMC के अंतर्गत सीट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है इसमें अगर आप फीस के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ITI में जैसे कि 10 सीटें हैं किसी ट्रेड में तो उसमें से एक सीट आपकी IMC के अंतर्गत होती है, यानी उसमें जो है आपको 50-60 हजार रुपए फीस देकर जो है एडमिशन डायरेक्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में हम नो करेंगे, यहाँ पे हमें ये सीट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से आप पूछा था कि आप जम्मू कश्मीर राज्य से विस्थापित हैं, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पारिवारिक वार्षिक आय, जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है वो आय यहाँ पे आप लिख देते हैं, हम यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, यहाँ पे परिवार
के स्वामित्व भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में, तो यहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या पंजीकृत असंगठित कर्मकार पुत्र पुत्री हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। अगर आपके पास जो है मजदूरी कार्ड है जो आपका जनपद पंचायत से बनता है वो यहाँ पे कर्मकार का है तो यस करें, नहीं तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एड्रेस है वो हमारा, हम एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमारा जो एड्रेस है हम उसे इस टाइप से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सागर सिलेक्ट करेंगे, तहसील में हमारा जो है सागर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका जो लगता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पंचायत ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है, तो ग्राम पंचायत में जो भी आपका ग्राम पंचायत है सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये जो यहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो पता समान है इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पता ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद हम डेटा सुरक्षित करें यानी सबमिट टू सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। जानकारी सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। आप इसे चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको जो है शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे हमें जो है शैक्षणिक योग्यता के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कक्षा 10वीं की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है यानी कक्षा 10वीं हमें यहाँ पर फिल करना है। तो हम यहाँ 8वीं की इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। कक्षा 10वीं की इन्फॉर्मेशन के लिए एमपी बोर्ड है, सीबीएसई है, अदर है। तो यहाँ पे अगर आपका एमपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से है तो यहाँ पे अदर करें, अन्यथा हम एमपी बोर्ड रहेगा। यहाँ पे हमें रोल नंबर टाइप करना है, तो जो भी आपका रोल नंबर है हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमें सत्र सिलेक्ट करना है, किस सन में हमने जो है यहाँ पे किया है, हम यहाँ पे जिस सन में हमने पास किया है वो लिख देते हैं। परसेंटेज है, ग्रेस है, परसेंटेज लिखते हैं। टोटल प्राप्त अंक कितने हैं, तो हमें यहाँ पे 420 सॉरी 450 मिले हैं, कितने में से, 500 में से। तो आपका यहाँ पे जो है परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज आप यहाँ पे चेक कर लें। इसके बाद हम हमारा जो 12th का डिटेल है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 12th हमने कब किया है, तो 12th हमारा 23 है। इसके बाद परसेंटेज बेस है, कितने नंबर हमें मिले हैं, 452 है 500 में से। इसके बाद हमारा जो परसेंटेज आता है हम सेव और सेव करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फोटो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है फोटो अपलोड में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी जो फोटो है साफ होना चाहिए, इस टाइप से आपको फोटो दिखना चाहिए। तो फोटो के लिए आपकी जो 15 KB से 100 KB के बीच में होगा। अगर आप अपना मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो फोटो रिसाइज करने के लिए आप जो है गूगल पर टाइप कर सकते हैं ऑनलाइन रिसाइज। ऑनलाइन रिसाइज के ऑप्शन पर जाकर जो है आप अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रिसाइज इमेज के ऑप्शन पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट रिसाइज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर जाकर जो है हम यहाँ पे फोटो के ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फोटो है, हम इसे इस टाइप से आप देख लें, इस टाइप से आपका अपलोड हो जाता है। आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, इस टाइप से आपको फोटो दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको जो है 50 KB से अधिक नहीं होने चाहिए, 50 KB से कम में आपको जो है अपने सिग्नेचर अपलोड करना है। हमारी ये सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर दिख रहे हैं। हम फोटो अपलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आप भुगतान के लिए आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पेमेंट के ऑप्शन पर हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर यस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि किस प्रकार आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, तो आप गूगल पे, फोन पे आदि यूज करते हैं तो यहाँ पे यूपीआई पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो है नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड है तो क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना शुल्क भुगतान करना है, तो यहाँ ₹15 रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ₹2 यहाँ पे बैंक चार्ज है, ₹17 आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना है। हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पेमेंट टू सॉरी पेमेंट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट यहाँ पे कट जाता है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद जो आपका आवेदन है आप उसे प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद आप उसे रख लें। अब चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे 12 जून से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे की जो प्रक्रिया है 12 जून से स्टार्ट होगी, तो 12 जून के बाद जो ऐसी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है उसका भी वीडियो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।